नमस्कार, आपका सीनियर किचन में स्वागत है। आज हम बनाएंगे तोरी चने की दाल। इसमें लगने वाली सामग्री है चना, तोरी, प्याज, कटा टमाटर, अदरक और लहसुन का पेस्ट, कटी हुई 4 से 5 हरी मिर्च, और मसाले में के लिए हल मिर्ची, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, तड़के के लिए जीरा। पर गरम हो गया है, तेल डालते हैं इसमें। हरी मिर्ची डालेंगे, प्याज, मिर्ची और प्याज को अच्छे से भूनिए। अब लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल दिया इसमें, वो भी अच्छे से मिक्स हो जाएगा इसमें। अब ब्राउन होने तक इसको भूनेंगे। अब हमारा यहाँ पे प्याज भून गया है अच्छी तरह से। अब डालेंगे चना दाल। हमने 2 घंटे पहले ही भिगो दिया था, जिससे दाल पकने में आसानी हो। अच्छे से भूनेंगे इसको भी, चने दाल को भी। दाल को भूनने के बाद तोरी, चने और तोरी को मिक्स करेंगे। इसको भूनने तक वेट करेंगे थोड़ा सा। तोरी और चना दाल भून चुका है। अब इसमें डालेंगे लाल मिर्ची, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसमें और अच्छे से भून लेंगे। तोरी अच्छे से पक गया है, अब भून गया है। अब इसमें डालेंगे टमाटर, 2 टमाटर कटे हुए, इसको भी अच्छे से मिलाएंगे। कम से कम 5 मिनट इसको भूनिए अच्छे से सबको। अब डालेंगे सारा सामान, तो नमक डालेंगे तो अपने आप पानी छोड़ देगा। अच्छे से भून चुका है ये। अब मेजरमेंट के हिसाब से इसमें डाल देंगे पानी, कम से कम 2 ग्लास, जितना आपको ग्रेवी रखना है। कम ज़्यादा कर लीजिएगा। गैस को बंद कर देंगे और 10 से 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि गैस आराम से निकल जाए और चना दाल पक जाए। चलिए अब कुकर खोल के देखते हैं कि दाल हमारी कैसी है। वाओ, दाल देखिए कितना अच्छे से गल गई है और कितना अच्छा फ्लेवर आया है इसका। अब इसको हम तड़के को चम्मच गर्म होने तक, इसको अच्छे से गर्म हो जाएगा, फिर हम डालेंगे इसमें, सिम कर देंगे गैस, और फिर डालेंगे इसमें घी, 2 स्पून घी। घी को पिघलाएंगे अच्छे से, घी पिघल जाएगा। फिर डालेंगे हींग, कम ज्यादा कर लीजिएगा। दो मिर्ची डालेंगे,
और इसलिए इसको बीच में से कट कर देंगे ताकि आप बनाते समय आपके हाथ में छींटे ना पड़े। अब देखिए हमने तड़का लगा दिया है, कितनी अच्छी दाल बनके तैयार होगी आपकी। अब इसको जिससे मर्जी उससे खाइए। अब जब भी आप तड़का लगाएं ना तो बच्चों से दूर रख के ही तड़का लगाएं, ताकि कई बार होता है कि लगाने में कलछुल गर्म होती है तो आग निकलती है, तो इसलिए आप बच्चों से दूरी रख के तड़का लगाइए इसमें। अब देखिए कितनी अच्छी दाल तैयार हो गई आपकी, और आप इसे चाहें तो रोटी से, चावल से, जिससे मर्जी उससे आप खा सकते हैं ना। और तोरी का दाल अगर अच्छी लगी हो मसाले वाली आपको, तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।